पेट्रोल ले लिया, 330 रुपए का पेट्रोल आया, पहले से थोड़ा बहुत था। चलिए अब आगे चलते हैं। पहले आपने नाम सुना था क्या? नहीं सुना होगा। आज आपको दिखाते हैं रेल कोरिजन क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हाँ तो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं रोहित कर्व व्लॉग्स। चलते हैं, दिखाते हैं रेल कोरिजन। हाँ तो दोस्तों, निकल गया हूँ फ्लैंज कोरिजन देखने के लिए। ये एक्चुअली होता क्या आपको बता दूँ, ये होता है स्लीपर के ऊपर रेल लगा रहता है और रेल को पकड़ के रखने के लिए ERC लगाया जाता है, जिसको पेनरोल बोला जाता है। आपने देखा होगा स्प्रिंग जैसा रहता है छोटा सा। तो जब रेल पुरानी होने लगती है तो जंग लगता है, ऑक्सीडाइज होता है लोहा, और जहाँ पर ERC और रेल आपस में टच होते हैं वहाँ पे गड्ढा होने लग जाता है, जिससे टो लोड कम हो जाता है। अब टो लोड क्या होता है? टो लोड होता है एक निश्चित फ्लेक्सिबिलिटी रेल की होनी चाहिए, ताकि उस पर ट्रेन का जब व्हील गुजरे तो वो स्मूथ गुजर पाए। तो वो जो जंग लग करके गड्ढा हो जाता है, ERC स्लिप होने लग जाता है, तो उसी को फ्लैंज कोरिजन कहते हैं। नीचे वाले पार्ट को रेल में फ्लैंज कहा जाता है, इसलिए फ्लैंज कोरिजन। तो यही है। अब चलिए आगे थोड़ा व्यूज का नज़ारा लीजिए। जूना को कहते हैं अलविदा और आगे चलते हैं। आगे पेट्रोल पंप है, वहाँ से पेट्रोल भराते हैं, क्योंकि भाई पेट्रोल तो चाहिए, काफ़ी दूर जाना है। स्कूटी की टंकी बहुत छोटी होती है। चलिए पेट्रोल पंप पे मिलते हैं। ये आ गया हमारा पेट्रोल पंप, चलते हैं और पेट्रोल भराते हैं। ये कोई गाड़ी तो नहीं है? नहीं है। देखिए देहात में कैसा पेट्रोल पंप होता है, छोटा छोटा शेड। चलिए लेते हैं पेट्रोल। ये आगे पेट्रोल पंप पे पेट्रोल का रेट दिखाते हैं। देखिए 96 रुपया 72 पैसा फुल कर रहे हैं। कितना आ पाता है? चलिए तेल भरते हैं और निकलते हैं। पेट्रोल ले लिया, 330 रुपए का पेट्रोल आया, पहले से थोड़ा बहुत था। चलिए अब आगे चलते हैं। हाँ तो दोस्तों, जैसा कि आपने कल के वीडियो में देखा था,
हमने कटिंग के ऊपर से एक बड़े पेड़ के ब्रांचेस को ट्रिम करके गिराया था। आज पेड़ गिराना था तो आज मैं वहाँ नहीं जा रहा हूँ, दूसरे बंदे गए हैं। तो सेफ्टी बेल्ट जो है वो छूट गया था और हम जहाँ लंच कोरिजन देखने जा रहे हैं उसके रास्ते में ही पड़ता है, तो हमने सेफ्टी बेल्ट ले लिया है। या हमारा एक बंदा मिलेगा जिसको दे दूंगा तो काम आगे चालू हो जाएगा। ये बंदा बैठा है, इसको देते हैं और आगे अपने काम को निकलते हैं। ये देखिए भाई साहब, सिल्ली का मृग पुनर्वास केंद्र। यहाँ जब हिरन वगैरह जंगल में पाए जाते हैं गंभीर स्थिति में या फिर लावारिस स्थिति में, उनको ला करके यहाँ पर इलाज किया जाता है। और यहाँ कुछ हैं भी, ये रुकना पड़ेगा लेकिन बारिश हो रही है, नहीं पाऊँगा। यही है वन विश्रामागार भी है यहाँ पे, मतलब बैठ कर रात आप बिताना चाहें तो बिता भी सकते हैं। कृषि श्रम केंद्र बहुत अच्छा अच्छा जगह है यहाँ पे। चलिए चलते हैं डायरेक्ट स्पॉट पे और दिखाते हैं फ्लैच होराइजन क्या होता है। हाँ तो दोस्तों आ गया हूँ स्पॉट पे, आइए आपको दिखाते हैं फ्लैंज कोराइजन क्या है। कोराइज हो जाता है मतलब वो घिस जाता है, कम हो जाता है वहाँ पे माल, ठीक है। आइए दिखाते हैं, ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे गड्ढा हो गया, थोड़ा नज़दीक ले, यहाँ पे गड्ढा हो गया। ये क्यों हो गया ये देखिए, सबसे पहले तो किसको क्या बोला जाता है, ये फ्लैंज है, नीचे वाले पार्ट को फ्लैंज बोला जाता है, ये बीच में देख रहे हैं इसको वेब बोला जाता है और इसको हेड बोला जाता है, और ये लाइनर है इसको ERC बोलते हैं। ये यहाँ पे लगता है फिर इसको इस तरह से ठोक दिया जाता है, तो ये स्लीपर के साथ बंद करके पैक हो जाता है और वो ट्रेन इस पे फिर चलती है। तो ये धीरे धीरे ऑक्सीडाइज होकर के जंग लग करके ये गड्ढा हो गया यहाँ पे। अब इसका क्या होगा, टो लोड कम हो जाएगा। टो लोड कहने का मतलब हो गया कि एक निश्चित अनुपात में इसको ये प्रेस करके रखता है, लेकिन जब ये यहाँ पे गड्ढा हो जाएगा तो फिर टो लोड कम हो जाएगा या बढ़ जाएगा, इसमें वाइब्रेशन आने लगेगा जब गाड़ी जाएगी। तो यही है फ्लैंज कोराइजन। तो आगे हम लोग अब देखते हैं यहाँ पे और फिर निकलते हैं। हाँ तो दोस्तों यही था फ्लैंज कोराइजन, अब यहाँ से निकलते हैं हम लोग, देख लिए हैं कितना ख़राब है। चलिए निकलते हैं और वीडियो को एंड करते हैं। थोड़ा बहुत भी अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक सब्सक्राइब, थोड़ा हिम्मत बढ़ जाता है। चलिए वीडियो को एंड करते हैं, थैंक यू। अगले वीडियो के लिए तैयार रहिए।